नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर फरार हुए दो अपराधियों को आखिरकार एनजीपी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। एनजीपी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। चोरी के 5 बाइक बरामद। सिलीगुड़ी के बर्धमान रोड संलग्न गंगानगर स्थित एक बाइक सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, अग्निकांड की घटना में लाखों का नुकसान। राजगंज के बंधुनगर इलाके में आज भयावह सड़क दुर्घटना में एक वाहन का निकला कचुम्बर, वहीं इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने की मांग में भाजपा की तरफ से बागडोगरा के बिहार मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल इंडिया की तरफ से क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के तहत सिलीगुड़ी के 10 नंबर वार्ड अंतर्गत सूर्यसन पार्क में नगर निगम के कंजर्वेंसी वर्कर एवं सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सिलीगुड़ी के दागापुर में अनियंत्रित होकर पलटा कंटेनर, पुलिस ने शुरू की जांच। फांसीदेवा ब्लॉक अंतर्गत इलाके में 5 किलो गांजे के साथ कुछ बिहार निवासी एक दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजगंज थाने के पुलिस अधिकारी के वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, वाहन में सिर्फ वाहन चालक था मौजूद, घटना में वाहन चालक रहा सही सलामत। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए दागापुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 2 शिफ्ट में शुरू की क्लास। जलपाईगुड़ी में किशोर समेत कुल 4 लोग डेंगू से संक्रमित, मच्छरों से बचाव के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में किया जा रहा स्प्रे। जलपाईगुड़ी नगर पालिका की तरफ से डेंगू सतर्कता टीम कर रही लोगों को जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय शिशु अधिकार सप्ताह के मौके पर जलपाईगुड़ी में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के सिलीगुड़ी शाखा की तरफ से मगध सम्राट जरासंध जी का 5224वां जयंती पाली। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।